माहेश्वरी धर्मशाला स्थित राम वल्लभ मंदिर में वैश्य समाज द्वारा नववर्ष के कैलेंडर का विमोचन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व विधायक ब्रजमोहन धुत्ते तथा अध्यक्षता श्री बालाजी एकेडमी के संचालक गोविंद गर्ग ने की। इस अवसर पर वैश्य समाज की तहसील इकाई का गठन भी किया गया, जिसमें तहसील अध्यक्ष प्रकाश जैन, सचिव पंकज चांडक को सर्व अनुमति से मनोनीत किया गया। शेष कार्यकारिणी का गठन शीघ्र किया जाएगा। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। के चुनाव हुए, इसमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष को नियुक्त किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष हमारे प्रकाश जी जैन साहब, वैश्य समाज कन्नौज ब्लॉक से हमारे प्रकाश जी जैन, कन्नौज तहसील से प्रकाश जी जैन साहब को सब लोगों ने मिलकर नियुक्त किया है और उनको उनके मार्गदर्शन में वैश्य समाज आगे बढ़ेगा और हम सब उनका सहयोग करेंगे। समाज के तहसील अध्यक्ष होने के नाते आपने विगत दिनों में क्या क्या समाज के लिए योजनाएं तैयार की और आगामी क्या योजना है आपके लिए? देखो, आगामी योजनाएं तो अभी कुछ नई, अभी हमें मीटिंग में गया नहीं था, फिर भी जो वैश्य समाज की योजना है कि सब समाज के घटकों को इकट्ठा करना, समाज में एकता लाना, समाज में किसी भी प्रकार का अत्याचार अनाचार होता हो, सभी वैश्य समाज के बंधुओं को तो एकत्रित होकर उस व्यक्ति का समर्थन करना, उसका सहयोग करना। वैश्य समाज की एकता ही आज की अति आवश्यकता है। आज का किस चीज़ का विमोचन था? कैलेंडर का, अखिल भारतीय वैश्य समाज जो कैलेंडर था उसका विमोचन कन्नौज वैश्य समाज ने किया। वैश्य समाज को एकता की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज बिना एकता के, आज का जो समय है, बिना एकता के कोई भी आदमी या कोई भी समाज अच्छे तरह से स्थापित नहीं हो सकता है। हम आज जैसे देखें जेएस में दोनों लोग जो आदिवासी लोग वो सक्रिय हो रहे हैं, तो समाज की एकता में सबकी भलाई है। यदि कोई किसी के साथ अत्याचार होता है, यदि समाज सब एक साथ खड़ा होकर और उसका संघर्ष करता है, तो वे समाज के पास पैसा तो है पर जन समर्थन यदि होगा तो आज का जो युग है उसमें जन समर्थन और धन दोनों से वे समाज अपने आप को अच्छी तरह से इस युग में स्थापित कर पाएगा। आज जो समय का अभाव है और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा है, इसमें आपको लगता है कि वैसे समाज एक हो पाएगा और विभिन्न समस्याओं में एक साथ खड़ा हो पाएगा? क्या है, बहुत ठोकर लग चुकी है महेश्वरी समाज को भी, वैश्य समाज को भी। अब धीरे धीरे सब वो लोग आपस में समझने लगे हैं कि यदि एक नहीं हुए तो और जो हमारी स्थिति उससे बदतर हो जाएगी, तो इसलिए बिल्कुल उनमें सब में भावना आ रही है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।